हेलो बच्चों वेल दिस इज़ योर एजुकेटर प्रताप वर्मा एंड इस लेक्चर uh, uh, के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ मैं वेव्स के जो एन सी आर टी के एग्जाम्पलर्स हैं बच्चों उनके सोल्यूशनस आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स नीट एग्ज़ाम के हिसाब से जे मेन के हिसाब से दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है मोस्टली क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिमांडिंग भी आपको देखने को मिल सकते हैं अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं तो अगर हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या एन के लिए या हम जे मेन के लिए नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली एन के एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए सो बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दीज प्रॉब्लम्स डेट मी जस्ट रिमाइंड यू क्विकली दैट अगर आपको स्टडी से रिलेटेड अपनी नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी एडिशनल सपोर्ट चाहिए आपको कंटेंट चाहिए और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये टेलीग्राम हमारा चैनल है टी डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी जीरो ज़ीरो वन आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं रेगुलरली हमसे कम्युनिकेट करने का ये तरीका रहेगा इसके अलावा अगर आप आनंद कोड के साथ में ए एन ए एन डी आनंद कोड के साथ में बच्चों अगर अन का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं ठीक है और यहां पे आप उम्मीद टीम के साथ में विद दिस कोड आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो एडिशनल क्वेरीज के लिए यू कैन यूज दिस कॉन्टैक्ट नंबर सो लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ठीक है पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स में यहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर के अंदर वेव्स के अंदर वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर वॉट टाइप ऑफ वेव्स आर इसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ठीक है अगर एक मोटर बोट सेल कर रही है वाटर में तो वो किस टाइप की वेव्स जनरेट करेगी डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ठीक है ठीक है वाटर के अंदर लॉन्चिटनल वेव्स जनरेट होती हैं वाटर के सरफेस पे ऑन द अदर हैंड ट्रांसवर्स वेव्स भी जनरेट हो सकती हैं या होती हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन तो यहाँ पे क्या होगा लॉन्जिट्यूडनल एज एज वेल दोनों टाइप की वेव्स हमको देखने को मिलेंगी है ना बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन अगर केवल वाटर के अंदर की बात हो रही होती तो केवल लॉन्जिट्यूडनल वेव जनरेट होती राइट बट यहाँ पे इन जनरल हमसे पूछा गया तो हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों टाइप की वेव्स हमारी यहां पे होंगी इसलिए बी हमारे लिए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लुक एट दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन से साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ लेंथ लामडा ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विद स्पीड ऑफ वी मीटर पर सेकेंड इट एंटर्स इन टू अन मीडियम देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ speed v है स्पीड वी है तो अगर मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू वी अपॉन लैमडा जब बच्चों मीडियम चेंज होता है तो हम जानते हैं कि मीडियम चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती वेव स्पीड चेंज हो सकती है या होती है वेवलेंथ चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स तो फ्रीक्वेंसी अगर हमारी इनिशियल केस में वी अपॉन लामडा थी तो मीडियम चेंज होने के बाद में भी वो उतनी ही रहेगी दूसरी सिचुएशन में स्पीड टू भी हो गई है वेवलेंथ अपनी तरफ से लामडा डैश मान लेते हैं ये इक्वालिटी आप लगाते हो तो लामडा डैश इज इक्वल टू सिंपली ट्वाइस ऑफ लामडा यानी कि वेव पहले के कंपैरिजन में क्या होगी डबल होगी इसलिए सी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर होगा लुक एट दिस क्वेश्चन स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर की बात हो रही है किस किस के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी ये सब के बारे में बात हो रही है देखो स्पीड ऑफ साउंड को लेकर के आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है गामा आर टी अपॉन एम राइट सो दिस इज अ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो देखिए अगर एयर के बारे में बात हो रही है तो एयर के लिए गामा लेंगे आइडियल गैस कॉन्स्टेंट कि कैलविन स्केल पे टेम्परेचर है जिस भी किसी गैस की बात हो रही है या इन दिस प्रॉब्लम एयर की बात हो रही है एंड एम क्या है मॉलिकुलर वेट है उस गैस का इन दिस केस एयर का जिसमें कि साउंड के प्रोपिकेशन की हम बात कर रहे हैं राइट तो लुकिंग एट दिस फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन सी की स्पीड ऑफ साउंड डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन देशर ऑफ एयर क्योंकि हमें यहाँ पे एयर की बात करनी है तो टेम्परेचर पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये कहना गलत होगा हमें यहां प्रेशर सबसे कॉमनली कंफ्यूज होने वाला जो ऑप्शन है करने वाला जो ऑप्शन है वो यही है इसमें बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं बिकॉज वी साउंड हम लिखते हैं गामा टी अपॉन रो ठीक है और इस फॉर्मूले को हम इक्वली लिखते हैं गामा आर टी अपॉन एम ठीक है थिंग इज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पी के साथ में रो भी चेंज होता है पी के साथ में रो भी चेंज हो सकता है तो कई बार हम क्या करते हैं हम केवल प्रेशर का जो डिपेंडेंसी है उसको इस फॉर्मूले से बताने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर के साथ में स्पीड बढ़ जाएगी बट उस प्रोसेस में हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि रो की वैल्यू या डेंसिटी की वैल्यू उस प्रोसेस में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है तो ज्यादा रिलायबल फॉर्मूला हमारे लिए कौन सा होगा गर्टी अपॉन एम होगा ठीक है तो हम इंक्रीज विद प्रेशर से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी ये सीधा सीधा कंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि जितना प्रेशर बढ़ रहा हो उतना ही डेंसिटी बढ़ गई हो ठीक है ना इट इज पॉसिबल और उसके चलते पी बाई रो का रेशियो सेम बना रहे तब स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होगी तो ज्यादा रिलायबल फॉर्मूला कौन सा है हमारा ये वाला है तो हम इसके बेसिस पे नहीं डिसाइड डिसाइड करेंगे और उसके बाद में ऑप्शंस क्या क्या है ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंडेंसी बच्चों पूछी हुई है ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है यहाँ पे देखो मॉलिकुलर वेट के ऊपर मोलिकुलर वेट ऑफ एयर जब आप देखते हो तो आप देखो कि एयर इज मोस्टली कम्पोज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन का मोस्टली एयर कम्पोज है ठीक है अगर ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिकुलर वेट होगा वो कम होगा ठीक है तो अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा जो मॉलिकुलर वेट है एयर का एवरेज वैल्यू इसकी वो डिक्रीज कर जाएगी और अगर वो डिक्रीज करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इसेंशली क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो ये इफेक्ट हमें याद रखना है कि डेंसिटी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होगा मॉलिकुलर वेट जो है एवरेज वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंक्रीसेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी

गामा आर टी अपॉन एम स्क्वायर रूट ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा तो अगर हम टेम्परेचर मीडियम का चेंज करेंगे तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी है ना ये हम देख पा रहे हैं इफ यू कीप द मीडियम सेम तो गामा बढ़ाने सॉरी टेम्परेचर को चेंज करने से स्पीड चेंज हो जाएगी अब स्पीड क्या हो जाती है v इज इक्वल टू क्या फ्रीक्वेंसी f इन टू ना फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव चाहे वो साउंड हो चाहे कोई भी वेव है वो डिपेंड करती है एसेंशियली हमारे किस चीज के ऊपर सोर्स के ऊपर ठीक है तो अगर हमने सोर्स सेम रखा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन अगर हम टेम्परेचर के चेंज करने से स्पीड चेंज कर रहे हैं तो कोरोस्पॉन्डिंगली हम कहेंगे कि वेव भी चेंज हो जाएगी तो ये दोनों चीजें तो चेंज हो रही हैं अब एक एक करके एवेल्युएट करते हैं कि क्या टेम्परेचर से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी नहीं चेंज होगी वो तो सोर्स पर डिपेंड करती है क्या एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा एक्चुअली एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द वेव राइट

तो अगर टेम्परेचर पे एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट नहीं है ये वाली चीज डिपेंडेंट नहीं है तो ये भी डिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या डिपेंड करेगा वेवलेंथ डिपेंड करेगा ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था सी इज द करेक्ट आंसर क्यों क्योंकि वेवलेंथ डिपेंड कर रही है तो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद विदिगेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स थ्रू अ मीडियम किसकी बात हो रही है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की बात हो रही है किसी मीडियम के

मोमेंटम ट्रांसफर होता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता ये तो डेफिनेशन वाली बात है तो मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा एनर्जी का होगा मैटर यहां पे भी आ गया मतलब ये नहीं होगा मैटर यहां पे भी आ गया मतलब ये नहीं होगा तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया केवल बी हो गया बी इज द करेक्ट आंसर हो गया तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वट एवर वी हैव यू नो स्टडीड इन दिस चैप्टर डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू है एक भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है फॉर वेव मोशन वेव मोशन के कॉन्टेक्ट में हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन यान प्रोपिगेट थ्रू ऑल मीडियम्स मैकेनिकल ट्रांसफर्स वेव की बात हो रही है ठीक है गैस के अंदर एयर के अंदर मैकेनिकल ट्रांसफर्स वेव एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती हमें पता है इस चीज का क्यों नहीं कर सकती बिकॉज वहाँ पे जो है शेयर स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं है ना वहां पे शेयर स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो गैसेस में देखने को नहीं मिला लिक्विड में भी आपको बल्क में ट्रांसवर्स वेव्स देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज वहां पे भी शेयर स्ट्रेस हैंडल नहीं हो सकता है लेकिन सरफेस पे बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन कई बार देखने को मिलता है ठीक है सो ये तो बात खत्म हो गई कि सभी मीडियम में ये ट्रेवल करेगा ट्रांसवर्स वेव ऐसा नहीं हो वेव ऑन द अदर हैंड कैन कैन ट्रैवल थ्रू थ्रू ऑल मीडियम वेव्स सॉलिड्स ओनली ये भी बात गलत हो गई बिकॉज लॉन्चिट्यूडनल तो गैस में एयर में सब में ट्रांसमिट होता है तो ये भी बात गलत हो गई मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली ठीक है इसके ऊपर आते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम देखो मैकेनिकल वेव्स जो हैं

कि सरफेस टेंशन की वजह से वेव्स हमको देखने को मिलती हैं ठीक है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ ऑल at लुक एट दिस क्वेश्चन साउंड वेव इज पासिंग थ्रू एयर कॉलम इन फ्रंट ऑफ इन दम ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रेक्शन ठीक है साउंड वेव जब ट्रांसमिट होता है किसी एयर कॉलम से और फॉर दैट मैटर है ना एयर से कहीं से भी है ना तो जब इसका प्रोपगेशन हो रहा होगा तो यहां पे क्या होगा रेयर एंड रेयर एंड कंप्रेशन के फॉर्म में ये मूव करता है ये बात हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं कंप्रेशन वाला वाला जो रीजन है वहां पे क्या होता है एयर कंप्रेस हो जाती है रेयर फैक्शन वाले रीजन में क्या होगा उसमें डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी मतलब रेरीफाइड हो जाएगी गैस है ना वॉट इट मीनस इज कि जो कंप्रेशन वाला एरिया होगा उसमें डेंसिटी बढ़ जाएगी प्रेशर बढ़ जाएगा है ना एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएगा ठीक है ऑन द अदर हैंड जहां पे रेयर फैक्शन हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जा रहे हैं है ना जहां पे भी वेव का प्रोपिकेशन हो रहा है तो रेयर फैक्शन वाले स्पेस में क्या होगा डेंसिटी कम हो जाएगी प्रेशर कम हो जाएगा ठीक है तो दिस इज वॉट हैपन इन दिस स्पेस इन एंड उसके बारे में कुछ कुछ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं हमें देखना है कि कौन सी बात सही है कौन सी बात, है। ये बात गलत है इनफैक्ट इज हाउ यू डिफाइन रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन तो जहां कंप्रेशन हो रहा है वहां तो डेंसिटी बढ़ रही है रेरफ्रैक्शन में कम हो रही है तो डेफिनेटली कॉन्स्टेंट तो नहीं है बॉयस लॉइज ऑफ ओबेड अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी बात है, क्या बोलता है? बोलता है कि पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर अगर किसी गैस सैंपल का ठीक है एक क्लोज्ड गैस सैंपल का अगर मास कांस्टेंट है कंटेंट जो अमाउंट ऑफ कंटेंट है वो कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है ना जैसे कि आइडियल गैस गैस जो इक्वेशन है उसमें क्या बनता है पी वीज इक्वल टू एनआरटी तो आप इमेजिन करो कि एन नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट अगर ये दोनों चीजें कॉन्स्टेंट है तो उस केस में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रोडक्ट वो कॉन्स्टेंट रहता है इन अदर वर्ड्स प्रेशर डिक्रीजेस एज वी इंक्रीजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर वॉल्यूम्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा दैट इज वॉट बॉयलॉस बट बॉयस तब ओबे होगा जब आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है इन द सेंस बिकॉज साउंड वेव के प्रोपीगेशन में प्लीज अंडरस्टैंड हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं मानते हैं ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है साउंड वेव के प्रोपिगेशन के बारे में साउंड वेव के प्रोपिगेशन के प्रोसेस को हम एक एडिएबेटिक प्रोसेस मानते हैं क्या मानते हैं एक एडियाबेटिक प्रोसेस मानते हैं कि जब ये साउंड वेव प्रॉपिगेट हो रही होगी रेयर फ्रक्शन कंप्रेशन इनके फॉर्म में तो वो प्रोसेस कैसा होगा एडियाबेटिक होगा उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग एयर के साथ में ठीक है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की हम बात नहीं करते हैं ठीक है so, सो ये टेम्परेचर चूंकि कॉन्स्टेंट नहीं है इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है कि ऑप्शन जो है कि बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा वो भी नहीं लगाएंगे हम बल्क मॉडल्स ऑफ एयर ऑस्किलेट्स भाई बल्क मॉडल ऑफ एयर ऑस्किलेट नहीं करता है गिवन एयर के लिए ठीक है बल्क मॉडल ऑफ मॉडल्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होगा गामा इन टू पी एवरेज राइट एडिएबेटिक कंडीशन में तो एवरेज प्रेशर की वहां पे बात है बल्क मॉडल्स को हम नहीं बोलेंगे कि इसमें ऑस्कुलेशन हो रहा है और हम बोलते हैं कि एडियबेटिक टाइप का प्रोसेस है हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज ऑप्शन डी ठीक है सो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज वॉट वी टेक एज द आंसर लुक एट दिस क्वेश्चन ट दिस क्वेश्चन के हिसाब सेक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वे गिवन बाई दिस तो पहली बात तो हम ये समझ लें कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है प्लेन प्रोग्रेसिव वे की और इसको देख करके हमें क्या क्या मिल रहा है उसको समझ लें देखो इस इक्वेशन को आप सीधा सीधा कंपेयर करो Yxt wave equation, मैं standard wave equation लिख रहा हूं, progressive wave के लिए, इससे आप कंपेयर करके देखो तो ये इक्वेशन क्या दे रही है हमको? ये equation हमको ये दे रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट होने वाली एक वेव जिसके लिए एंगुलर ओमेगा है. एंगुलर वेव नंबर सीधा इसको अपनी दी हुई इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूँ no कितना हो गया पॉइंट सिक्स हो गया ओमेगा कितना हो गया यहाँ पे ओमेगा टी होना था ना तो ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टू पाई लिखा हुआ है टू पाई को यहाँ पे अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर लो एक्स बाई टू से तो माइनस पाई एक्स हो गया तो के जगह क्या आ गया पाई आ गया पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में यहाँ पे इस वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना ओमेगा और के के बीच में कैसा नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सएक्स की डायरेक्शन में वेव जा रही होगी ठीक है अब क्वेश्चन बोलता क्या ऑन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होगा वेव का फ्रॉम ए डेंसर मीडियम तो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर रिफ्लेक्शन हो रहा है कहाँ से हो रहा है डेंसर मीडियम से हो रहा है जब रिफ्लेक्शन होता है और डेंसर मीडियम से होता है तो बच्चों दो चीजें होती हैं नंबर यहां पे क्या होगा जो डायरेक्शन हो जाएगी वेव की वो क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया ठीक है दूसरी बात यहां पे क्या होगा वेव चेंज चेंज होगा क्या होगा चेंज होगा और फेस चेंज कितने से होगा पाई से होगा क्यों हो हुआ फेस चेंज बिकॉज डेंसर मीडियम से हमारी यहां पे फेज चेंज यहां पे कितने से हो रहा है पाई से हो रहा है फेस चेंज पाई से है डायरेक्शन अपोजिट हो गई है अगर हम ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो देखो वेव इक्वेशन कैसी लिखेंगे वेव इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू सम ए डैश ए डैश क्या हो गया a डैश इसका एम्पलीट्यूड हो गया नई वेव का रिफ्लेक्टेड वेव का ठीक है और उसके बाद में ध्यान से देखें क्या लिख रहा हूं मैं साइन टू पाई टी प्लस एक्स बाई टू एंड प्लस यहां पे पाई ठीक है यहां पे समझने वाली बात क्या है समझने वाली बात यह है कि मैंने एक तो प्लस जो साइन है यहां पे माइनस साइन की जगह प्लस साइन लगा दिया मैंने क्या किया इस प्रोसेस में मैंने क्या किया मैंने के को रिप्लेस किया किससे माइनस के से तो जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा डायरेक्शन ऑफ़ वेव की उल्टी हो जा रही होगी तो आप क्या करोगे जो वेव प्रोपिगेशन का जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है के उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे माइनस के से रिप्लेस कर दोगे तो अगर यहां पे पहले से माइनस के है तो यहां पे फाइनली क्या आ जाएगा माइनस के की जगह प्लस किया जाएगा और पहले से प्लस के होता तो माइनस के कर देते और दूसरी बात रिफ्लेक्शन जो कि डेंसर मीडियम से हो रहा है डेंसर मीडियम से होगा तो फेस चेंज होगा पाई से और अगर रेयर मीडियम से होगा तो फेस चेंज नहीं होगा ठीक है ये दोनों चीजें अगर हम याद रखेंगे उसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा ठीक है सो दिस सिंप्लीफाइज टू दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन देन दिस बिकम्स इक्वल्स टू ए डैश साइन अब देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको तो मैं एज इट इज रखूंगा टू पाई टी प्लस एक्स बाई टू बट उसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहां पे मैंने पाई ऐड कर रखा है अब साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है साइन पाई प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए डैश साइन टू पाई एज एट एस प्लस एक्स बाई टू ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया और यहाँ पे ये भी बात याद रखें कि ए डैश इज दिट्यूड फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव जो कि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ओरिजिनल वेव का टू थर्ड है ओरिजिनल के लिए कितना था वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स था तो ये वैल्यू कितनी हो गई जीरो पॉइंट फोर तो मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे माइनस जीरो पॉइंट फोर लिखना है और बाकी चीज एज इट इज रखी रहेगी कौन सा ऑप्शन ये बात सेटिस्फाई कर रहा है बी ऑप्शन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी माइनस ऑफ जीरो पॉइंट फोर साइन टू पाइव इन टू टी प्लस एक्स पाई टू याद रखने वाली बात क्या है याद रखने वाली बात है डायरेक्शन अपोजिट के लिए के को माइनस के से रिप्लेस कर देंगे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन के लिए फेस चेंज करेंगे पाई से तो उसका जो भी फिर मैथमेटिक्स आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ a string of mass this much and it is under a tension of how much? इतना kitna तो की tension दी हुई है hui hai 200 newton mass of the string कितना दिया हुआ है hai 2.5 kg और इसके अलावा लेंथ भी बताई हुई कितनी है स्ट्रिंग की 20 मीटर है तो अगर मुझे मास पर यूनिट लेंथ निकालना है तो सिंपली 2.5 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा सिचुएशन कैसी है ऐसी है ये मान लिया इमेजिन करो कि ये स्ट्रिंग है 20 मीटर की और दो सपोर्ट्स के बीच में इसको हमने टाइट करके बांधा हुआ ठीक है सो बिकॉज़ दिस इज व्हाट इज गिवन द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 20 मीटर्स एंड इट इज अंडर द टेंशन ऑफ दिस मच तो इसको खींच करके इस तरीके से हमने बांध रखा है कि उसमें टेंशन 200 न्यूटन की हो जाए नाउ इफ द ट्रांसवर्स जर्क इज स्टक एट वन एंड एक एंड पे आपने क्या किया कोई तो एक ट्रांसवर्स जर्क यहाँ पे दे दिया तो हल्का सा पर्टर्बेंस दे करके है ना एक डिस्टर्बेंस दे करके आपने छोड़ दिया तो क्वेश्चन ये कि ये डिस्टर्बेंस दूसरे एंड पे यहाँ पे कब पहुंचेगा यहाँ पे दिया तो यहाँ पे कब पहुंचेगा वेल टाइम निकालने के लिए अपन को कुछ नहीं करना टाइम निकालने के लिए हमको लेंथ जो होगी उसको स्पीड से डिवाइड करना है दैट्स ऑल लेंथ कितनी है हमारी ट्वेंटी मीटर है स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी तो अगर हमें इस स्ट्रिंग के ऊपर जो पर्टेंस है या डिस्टर्बेंस है उसके मूव करने की स्पीड पता चल जाए वेव स्पीड पता चल जाए तो अपन ये टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पीड निकालना कोई बड़ी बात है नहीं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये बन जाता है इट इज टी बाई म्यू स्थिंग में टेंशन कितनी होगी मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा उससे हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी टेंशन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर 200 म्यू अभी हमने कैलकुलेट किया कितना था 2.5 डिवाइडेड बाय 20 इसको मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं तो देखो ये टाइम्स पे निकल गया दिस बिकम्स कितना? 40, 40 आप इसको 40 से डिवाइड करोगे इज द करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन काफी ईजी ही मैं कहूंगा डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है टिपिकल ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास में खूब सारे करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रेन इज विस्टेंट फ्रीक्वेंसी तो ट्रेन मान लिया ये यहाँ पे स्टेशन है हमारे पास में स्टेशन एंड देर इज दिस ट्रेन ट्रेन के बारे में क्या बताया हुआ है? है कि कॉन्स्टेंट स्पीड से वो स्टेशन की तरफ जा रही है और उस प्रोसेस में कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी लेट से एफ नॉट की फ्रीक्वेंसी से वो विसिल कर रही है ठीक है ना तो ट्रेन गोज पास्ट स्टेशनरी ऑब्जर्वर ध्यान दें कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है ट्रेन केवल मूव कर रही है ऑब्जर्वर जो है प्लेटफॉर्म पे वो स्टेशनरी है ठीक है द फ्रीक्वेंसी एंड डैश ऑफ दिस साउंड एज हर्ड बाई दी ऑब्जर्वर ओवर टाइम इज वॉट देखो जब ये अप्रोच कर रहा होगा केस वन जब ये अप्रोच कर रहा होगा ट्रेन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर वो तो केस वन हो गया और जब ये पास करके निकल जाएगा यहाँ से वो अपना क्या हो गया केस टू हो गया इन दोनों केसेस में अलग अलग अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी इसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लेट से एफ डैश वन हो गई इसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लेट से एफ डैश टू हो गई तो एफ डैश वन और एफ डैश टू की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आएगी और उसमें भी हमको पता है जब ये ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ जा रही होगी तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और जब ये उससे दूर जा रही होगी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी एक फिक्स वैल्यू आएगी डिस्टेंस का रोल नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी का बस रोल है ठीक है इसलिए ऐसा नहीं होगा कि टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है फिर घटता जा रहा है या पहले बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है इस टाइप ये सब नहीं होगा ये सब गलत है, है ना केवल सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, है ना जब जा रही होगी पास में तब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेन इज अप्रोचिंग ऑब्जर्वर तो हाई फ्रीक्वेंसी परसीव होगी और जब वो रिसीड कर रही होगी दूर होगी तो कम फ्रीक्वेंसी परसीव होगी कहांफ्यूज तो होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं कहूंगा इसको मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का ही ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रांसवर्स हारमोनिक वेव ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग Is this by this अब इसको देखो, को से, इस इक्वेशन को आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हो किससे आप कंपेयर कर सकते हो ये एक ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है एक्स वाई सेंटीमीटर में दिए हुए हैं टी यहां पर टाइम सेकेंड में दिया हुआ है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस जो है वो लेफ्ट से राइट right की तरफ है मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है, है ना लेफ्ट से लेकर के राइट right तक वो हमारी क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन ये इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में दी हुई है ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन है वेव इक्वेशन की फॉर्म को यूज करते हुए तो अगर वेव इक्वेशन स्टैंडर्ड आपको याद है एक प्रोग्रेसिव वेव के लिए हार्मोनिक वेव के लिए आप उसको गिवन जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो चीजों का मीनिंग आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे ठीक है so, सो पहला ऑप्शन क्या है वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट क्या ये बात सही है क्या ये बात गलत है कैसे पता चलेगा अपन को वेल well, देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है ओमेगा के बीच में और K के के बीच में पॉजिटिव साइन है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा नेगेटिव एक्सेक्स बच्चों क्या होगा नेगेटिव एक्सेक्स अब लेफ्ट से राइट right तक क्या था पॉजिटिव एक्स एक्सेस था तो राइट right से देखो ये था लेफ्ट और ये था राइट right. लेफ्ट से राइट right तक क्या था पॉजिटिव था तो राइट right से लेफ्ट की तरफ क्या होगा नेगेटिव एक्स एक्सेस होगा तो मुझे क्या चाहिए नेगेटिव एक्स एक्सेस वो किधर से किधर होगा राइट right से लेफ्ट की तरफ होगा इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे लिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन है द स्पीड ऑफ द वेव इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अब वेव स्पीड निकालने के लिए अपन को काम करना पड़ेगा वेव स्पीड निकालने के लिए अपन को काम करना पड़ेगा देखो तो वेव इक्वेशन अगर ये हमको याद है तो हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा डिवाइडेड बाई के इज सिंपली वेव स्पीड ओमेगा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है थर्टी सिक्स दिया हुआ है ओमेगा टी प्लस के एक्स के की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट जीरो वन एट ठीक है इसको अगर सिंप्लीफाई हम करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स इन ये हो गया थाउजेंड डिवाइडेड बाई एटीन तो ये अपना बन किया जाता है टू थाउजेंड पर ध्यान रखें कि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है ना तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ रहा है हमारा तो मीटर पर सेकंड में देखेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्योंकि तो सारी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में इनिशियली हमको दी हुई थी तो ये भी हमारा क्या हो गया वेव स्पीड भी हमारा यहाँ पे ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड मतलब सही आ गया करेक्ट है ठीक है उसके बाद क्या पूछ रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज वॉट अब ओमेगा की वैल्यू दे रखी थी ओमेगा की वैल्यू दे रखी थी omega इज नथिंग बट इक्वल टू टू पाई एफ ठीक है omega कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स इज इक्वल टू सिंपली टू पाई एफ तो फ्रीक्वेंसी निकालने जाओगे तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टू इन ये हो गया ट्वेंटी टू बाई सेवन इसको अगर कर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू फाइव की बच्चों मिल जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी हमने सही यहाँ पे दी हुई है दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन फॉर लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रैश इन द वेव इज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर देखो किसी ट्रांसवर्स वेव में लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रैश ठीक है ये दो सक्सेसिव क्रैश हो गए इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होता है बाई डेफिनेशन वो क्या होता है वेवलेंथ लामडा होता है तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है वेवलेंथ लामडा निकालना है और वेवलेंथ कैसे निकलेगा वेव स्पीड जो कि हमने कितनी निकाली है 20 मीटर पर सेकेंड उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे 5.7 से और ये वैल्यू हमारी हम पाते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली थ्री सेंटीमीटर के आसपास आती है ठीक है नॉट 2.5 सेंटीमीटर ठीक है तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इनफैक्ट मीटर में आ जाएगी क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में डेफिनेटली दिस आंसर हियर इज नॉट करेक्ट करेक्ट आंसर हमारे कौन कौन से हो गए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए और यहाँ पे फिर बी हो गया और फिर सी हो गया डी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है क्या ये क्वेश्चन आसान है आपके हिसाब से मैं कहूंगा मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का है ठीक है बिकॉज थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है वेव इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है सिंबलिज्म है वो आपको पता होना चाहिए तो आप इसको कर सकते हो छोटी मोटी कैलकुलशन है अदर देन मुश्किल तो डेफिनेटली सवाल को नहीं कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों लुक एट दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन सेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय एंड लुक एट दिस इक्वेशन ये किस फॉर्मेट में है टू ए साइन ओमेगा ओमेगाक्स नॉट ओमेगा साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी ये बच्चों इस फॉर्मेट में है और ये किसके लिए ये स्टैंडिंग वेव के लिए स्टैंडिंग वेव के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन आप स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपको सारे टर्म्स का मीनिंग समझ में आ जाएगा यहां पे 2a की जगह क्या आ रहा है 0.06 यानी कि ये स्टैंडिंग वेव wave ऐसी वेव्स के सुपरपोजिशन से बनी हुई होगी जिसमें एक वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा 0.03 होगा इस वेव के लिए के की वैल्यू क्या होगी टू पाई बाई थ्री इस वेव के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी वन ट्वेंटी पाई, है ना? तो से आप ये देख सकते हो ये सारी चीजें हमने डिटेल में वेव के अंदर स्टैंडिंग वेव के अंदर पढ़ी हुई होती है तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं इसके अलावा देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई इस बार मीटर में है लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो वन पॉइंट फाइव मीटर है मास ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑल्सो गिवेन टू अस तो स्ट्रिंग के लिए लेंथ और मास दोनों हमें दिया हुआ है कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे देखते हैं इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ़ फ्रीक्वेंसी प्रोग्रेसिव वेव तो डेफिनेटली ये नहीं है कैसी वेव है स्टैंडिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है वो वेव जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी का मोमेंटम का ट्रांसफर कर रही होती ठीक है यहां पे क्या हो रहा है ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है क्योंकि लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर होने वाली एनर्जी राइट right की तरफ ट्रांसफर होने वाली एनर्जी वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रही है देखो ओमेगा की जगह इसने दिया हुआ ओमेगा क्या होता है टू पाई एफ होता है तो so, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया सिंपली सिक्सटी हर्ट हो गया इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सही दी हुई है स्टेशनरी वेव है ये भी बात सही हुई है so, इसका मतलब बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है इट इज रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ़ वेवलेंथ थ्री मीटर है ना? अब किस-किस के सुपरपोजिशन से ये बन रहा है इसके बारे में सवाल फ्रीक्वेंसी मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट देखो बाकी सारे स्टेटमेंट सही हमें बस डेटा चेक करना पड़ेगा ये इतना वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा ये यह यहां पे जो स्पीड दे रखी है यहां पे 180 मीटर पर सेकेंड लुक एट दिस वैल्यू ओवर हियर 180 मीटर पर सेकेंड तो ये वैल्यूज बस हमको चेक करनी पड़ेगी बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही है कि दो अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली इक्वल फ्रीक्वेंसी की जो ये वेव्स हैं इनके सुपरपोजिशन से इस टाइप की स्टैंडिंग वेव बनती है ठीक है नाउ वी हैव टू चेक वेवलेंस सही है कि नहीं वेव स्पीड सही है कि नहीं और वो हमें कैसे पता चलेगा वो हमें पता चलेगा By looking at this equation and by calculating the values associated with this, ठीक है? एक-एक करके काम करके देखते हैं देखो ओमेगा की वैल्यू यूज करके मैंने ओमेगा 120 पाई, ना? तो ली सिक्सटी हर्ट बाकी चीज पे ध्यान देते हैं ए की वैल्यू यहां पर बाई डेफिनेशन क्या होता है टू पाई बाई लैमडा होता है तो लैमडा यहाँ से वेव कितना आ गया सीधा सीधा थ्री मीटर आ गया वेव लेंथ भी इसका मतलब सही है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स जो होंगी उनकी वेव स्पीड क्या हो जाएगी एफ लैमडा हो जाएगी एफ की वैल्यू सिक्सटी है ही लैमडा थ्री है तो कितना हो गया ये वन एट्टी मीटर पर सेकेंड हो गया मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स की मुझे वेव स्पीड पता है उसके लिए मुझे वेव पता है ठीक है और ये सारी की सारी बातें सही जा रही है देखो वेव लेंथ थ्री है वेव स्पीड इतना है तो ये दोनों बातें भी सही हो जा रही है

और बहुत मुश्किल तो नहीं कहा जाना चाहिए बट रिसेंटली अफर्ट तो इस क्वेश्चन में लग जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन फ्लूड डिपेंड्स अपॉन और स्पीड ऑफ साउंड किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है ये हमसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है देखते हैं भाई किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है एक एक करके इवेल्युएट करेंगे डायरेक्टली ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम स्क्वायर ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ दी देखो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी लिक्विड के अंदर जब हम स्पीड ऑफ लॉन्चिट्यूडल वेव लिख रहे होते हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मुला होता है बल्क मॉडल बी डिवाइडेड बाई रो तो बी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट ऑफ बी रूट ऑफ रो यानी कि स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ये नहीं है करेक्ट आंसर क्या हो गया सी डी कैसा क्वेश्चन हम कहेंगे इसको इजी कहेंगे क्यों कहेंगे इजी भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था सवाल आपका सीधा सीधा बन जाता लुक एट दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव किसकी बात हो रही है प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही है मैकेनिकल वेव की बात हो रही है प्लेन वेव की बात हो रही है ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस दे आर डेफिनेटली नॉट पासिंग इन द देखो सेम फेज में कब हो सकते थे सेम में वो होते जबकि स्टैंडिंग होती है और दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स होते तो बहुत स्पेशल केस है वो तो डेफिनेटली ये तो नहीं हो रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज इक्वल देखो प्रो, जब प्रोग्रेसिव वेव होती है तो ये सभी के एम्पलीट्यूड्स इक्वल होते हैं सभी के एम्प्लीटूड्स इक्वल होते हैं लेकिन दे आर नॉट एट द सेम लेवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम ना एम्पलीट्यूड सेम होगा मैक्म पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट एस एच एम यस हारमोनिक वेवस में क्या होता है जब वेव उससे पास करती है तो पार्टिकल्स एस एच एम एग्जीक्यूट कर रहते हैं बिल्कुल सही बात है वेवोसिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम डेफिनेटली वेवॉसिटी तो नेचर ऑफ मीडियम पर ही डिपेंड करती है ऑब्वियसली और भी फैक्टर्स हैं टेंपरेचर क्या होगा एंड ऑल दैट तो ये डेफिनेटली सही रहेगा ए सही नहीं है बी सी डी डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस क्वेश्चन है ना हम पढ़ते हैं ये सब चीजें वेव मोशन के बारे में क्लासेस में और सीधा सीधा हमसे यहाँ पे ये पूछा हुआ लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन ध्यान से देखें कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपके सामने रखी हुई है दिस इज नथिंग बट वही टू ए साइन के एक्स थोड़ा गलत सा लिख दिया मैंने यहाँ पे टू ए साइन के एक्स Cos omega इस में है, wave की हुई है। इसको देख करके हम उमेगा निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूडीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिटेंट वेव ये सारी, सारी बातें निकाली जा सकती है ठीक है किसकी बात हो रही है एक ऐसी स्ट्रिंग की बात हो रही है जो की दोनों एंड पे फिक्सड है उस पर जनरेट होने वाली स्टैंडिंग वेव की बात हो रही है और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं

तो स्टैंडिंग होगा अब ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी सही बात फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है सेम फेज यस दो नोड्स के अगर बीच में है सारे पॉइंट्स का सेम फेज होता है क्या उनकी सेम एनर्जी होती है नहीं क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज होता है देखो यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इसकी एनर्जी तो बिल्कुल जीरो है इसकी एनर्जी क्या है मैक्सिमम है तो डेफिनेटली एनर्जी तो सेम नहीं है ठीक है ये बात हमारी गलत हो गई डिफरेंट एम्पलीट्यूड यस तो ये सही हो गया ये सही हो गया ये सही हो गया ए बी और डी ये हमारे करेक्ट आंसर हैं डायरेक्टली एज आई एट कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन ये भी कहलाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अ ट्रेन इज देय स्टैंडिंग इन अ स्टेशन यार्ड अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच इन स्टिल एयर द विंड स्टार्ट टू ब्लो इन द डायरेक्शन फ्रॉम द यार्ड टू द स्टेशन विद दिस स्पीड स्पीड ऑफ द साउंड ऑप्शन सही होगी डायरेक्टली देखने से डेटा देखने से समझ में आ जा रहा है ट्रेन है का। का सवाल है बस यहां पर अच्छे से देखना है कि डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला हम ढंग से अप्लाई कर सके ठीक है यहां पर क्या होता है बच्चों टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वी प्लस वी एम माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एम माइनस वी एस जहां पर सारे टर्म्स को हमने स्टैंडर्ड मीनिंग में रखा हुआ है एफ नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज़ स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू द एयर मीडियम या एयर अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है वी एम है वी ओ क्या है ऑब्जर्वर की स्पीड है वी एस क्या है सोर्स की स्पीड है और ये सब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में हमको लेने हैं ठीक है तो हमें डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला जो है अच्छे से लगाना आना चाहिए वो हम ठीक से लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट किया सकता है लेट्स सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज दिस ध्यान से देखें 400 हंड्रेड की लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल सोर्स की कितनी थी फोर ही थी डॉल पर इफेक्ट तो हुआ ही नहीं क्यों नहीं हुआ बिकॉज ना तो देखो ऑब्जर्वर मूव कर रहा ना तो सोर्स मूव कर रहा जो पहला स्टेटमेंट दे रखा क्वेश्चन के अंदर उसमें ना ऑब्जर्वर मूव किया ना सोर्स मूव किया तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट एंड ओरिजिनल सेम होगी डॉपलर इफेक्ट इन फैक्ट नहीं आएगा ठीक है इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है द स्पीड ऑफ साउंड फॉर दब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज दस ये भी करेक्ट आंसर है क्यों करेक्ट है देखो यहां पर अगर मेरे पास में ऑब्जर्वर है ये सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे अगर यहां ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर है और ये अपना क्या था ट्रेन था जिससे कि विसल की वजह से साउंड वेव निकल के जा रही थी अब देखो साउंड वेव जो है आप इमेजिन करो साउंड वेव जो है वो 340 मीटर पर सेकंड से जा रही है लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू क्या एयर जा रही है साउंड तो की पल्स है वो 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू एयर जा रही है बट देन जो एयर है वो खुद जा रही है कितना टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो जब ये साउंड इस ऑब्जर्वर को यहां पे मिलेगी तो इसको कितना मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिलेगी क्यों एयर जब यहाँ पे पहुंचेगी एयर खुद जा रही है थ्री टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसके ऊपर साउंड की स्पीड क्या है थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड साउंड की जो पल्स है वो यहां पे किस स्पीड से पहुंच रही है

तो ऊपर नीचे तो क्या हो गया वन का फैक्टर हो गया एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो गया एफ नॉट एफ नॉट हो गया तो सीधी सी सीधी यहां पे बात आ जाती है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अ स्टेशनरी वेव किसकी बात हो रही है स्टेशनरी वेव की बात हो रही है स्पेसिफिकली एवरी पार्टिकल हैज अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एम्पलीट्यूड

एडजेसेंट लूप्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं आउट ऑफ फेज फेज चलते हैं उनमें डिफरेंस कितना होता Pike होता है है पाई और समझने की बात यहाँ पे समझो कि देखो जो बिल्कुल पास पास के जो ये पार्टिकल्स होंगे ना जैसे ये वाला हो गया और ये वाला तो इनके एम्पलीट्यूड स्लाइटली अलग अलग होंगे लेकिन हर किसी पार्टिकल का एक अपना फिक्स एम्पलीट्यूड है एंड दैट इज व्हाट द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि एवरी पार्टिकल हैज अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल्स जो कि एडजेसेंट है एक दूसरे के उसके बाद में और भी ऑप्शन पे ध्यान दें और भी ऑप्शन पे ध्यान दें ऑल दी पार्टिकल्स हियर क्रॉस देर मीन पोजिशन एट द सेम टाइम देखो जब ये पार्टिकल हमारे ये वाले पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे होंगे क्रॉस करके ऐसे तो इस इस लूप देखो नोड़ और नोड़ के बीच में जितने पार्टिकल है वो एक साथ ऊपर की तरफ जाएंगे और ये वाला नोड और ये वाला नोड के बीच में जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे एक साथ नीचे की तरफ जाएंगे

नी प्लेन plane, इस प्लेन से मैं देखूं इस प्लेन से मैं देखू इस प्लेन सेवरऑल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा ऐसे पार्टिकल्स yes. को बाई डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं नोट्स बोलते हैं इसका मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट अपना क्या है सही है ठीक है सो करेक्ट आंसर कौन कौन से हो गया इसमें ए हो गया बी हो गया डी हो गया ई e होगा कौन सा सही नहीं है ऑप्शन सही नहीं है ठीक है सो ये डिस्कशन बच्चों में यहां पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए खत्म करता हूं इसमें हमने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो हैं जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर से वो सारे के सारे हमने आपके साथ में डिस्कस किए अदर देन दैट मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल चाहिए हमारे चैनल से रिलेटेड जो रेगुलर अपडेट्स हैं इंफॉर्मेशन है वो सब चाहिए तो आप टी डॉट एम ई डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी ज़ीरो ज़ीरो वन ये टेलीग्राम चैनल जरूर बच्चों आप सब्सक्राइब कर लो ठीक है और उसके अलावा अपनी वेबसाइट है आनंद मनी डॉट कॉम वो जरूर आप अपने फेवरेट में डाल करके रखो बहुत सारा स्टडी मटेरियल यू नो एक कंट्रोल्ड एन्वायरमेंट में एक गाइडेड मैनर में आपकी जो प्रिपरेशन है उसको करने के लिए इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी सो थैंक यू